हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस खबर को फोटो नंबर 31 की खबर व फोटो के साथ लगाएं। मतदान नहीं कर सके पूर्व एमएलसी व पूर्व विधायक। मतदाता सूची से नाम गायब होने पर पोलिंग बूथ से मायूस होकर वापस लौटे सीतापुर निकाय चुनाव और पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी हमा वोट नहीं डाल सके। वहीं सिधौली के पूर्व विधायक मनीष रावत का पूरा परिवार मतदान से वंचित रह गया। वजह, इनका नाम मतदाता सूची से गायब था। मतदान ना कर पाने का मलाल इनके चेहरों पर साफ नजर आया। मतदाता सूची और नाम ना होने का ठीकरा इन्होंने जिम्मेदार अफसरों के सिर फोड़ते हुए कहा कि अफसरों की लापरवाही से वह मताधिकार से वंचित हुए हैं। शहर के मोहल्ला रोटी गोदाम और रहने वाले पूर्व नगर पालिका सीतापुर के अध्यक्ष व पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी बुधवार को जिस समय हमा वोट डालने प्रेम नगर पोलिंग बूथ पहुंचे तो वोटर लिस्ट और उनका नाम ही नहीं मिला। मतदाता सूची और नाम ना होने से वह वोट डाले बगैर लौट गए। उधर सिधौली के पूर्व विधायक मनीष रावत के पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट से नदारद था। मनीष जिस समय परिवार सहित मतदान करने गांधी विद्यालय पोलिंग बूथ पहुंचे तो वोटर लिस्ट और उन सबके परिवार का नाम ढूंढे नहीं मिला, जिससे उनका परिवार मतदान नहीं कर सका। पूर्व एमएलसी व विधायक ने अफसरों की लापरवाही से नाम गायब होने की बात कही है। एडीएम विनय पाठक ने बताया कि पूर्व विधायक मनीष रावत का नाम लखनऊ के फैजुल्लागंज की मतदाता सूची और दर्ज है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।